हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर BSc नर्सिंग एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन, कैसे करें अप्लाई 2020 के फॉर्म। तो आज हम आपको हिंदी में सारी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। आपको मेरी वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें, क्योंकि आपका एक मिस्टेक आपका पूरा फॉर्म को बर्बाद कर सकती है। इसलिए पूरी जानकारी सही से प्राप्त करें, फिर बाद में आप हमें कमेंट करके ये ना बोलें कि सर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि आज तक हमने कोई इन्फॉर्मेशन गलत नहीं दी है, 100% सही दी है और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा टापा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर जैसे आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता है, बगल में प्रेस बेल आइकन को दबा दीजिए कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। तो आपको सबसे पहले इसकी हम जो वेबसाइट है, इसकी जो GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर, इसकी होम वेबसाइट पर आपको सबसे पहले आ जाना है। यहाँ पर इसकी लिंक जहाँ से आप लोग तुरंत सबसे पहले यहाँ पर टच करके आप इस वेबसाइट पर ओपन हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर नीचे आना है, स्क्रॉल करके वीडियो को जैसे हम देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, जैसे आपको सबसे पहले नीचे आना है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एप्लीकेशन फॉर BSc नर्सिंग प्रोग्राम, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वहाँ पर टच करना है, जैसा कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं। अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए हम आपको अभी दिखा रहे हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, जैसा कि आप लोग हाँ देख चुके हैं कि यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा है, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर जो हैशटैग में लिखा है वहाँ पर एक लाइनिंग चलती है, वहाँ पर लिखा है BSc नर्सिंग प्रोग्राम, तो वहाँ पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन क्लिक हो जाएगा, स्टेप वन फर्स्ट। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है यहाँ पर सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखा है अंडर ग्रेजुएट कोर्स, मतलब UG कोर्स BSc नर्सिंग प्रोग्राम, 4 ईयर्स कोर्स, मतलब 4 साल का कोर्स होता है। यहाँ पर लिखा है प्रोसीड, तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म निकल आएगा। यहाँ पर लिखा है आपको फर्स्ट ऑप्शन पर रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम भरना है, कैटेगरी भरनी है, प्लस मोबाइल नंबर, और लास्ट में आपको पढ़ना है Gmail ID यहाँ पर, जैसे कि, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देनी है। जब आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देंगे जैसा कि, तो आपको क्योंकि तो आपको सबसे पहले एक मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP आपको वहाँ पर भरना है। उसके बाद आपको मोबाइल पर मैसेज पर आपको, जैसा कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं मैसेज को, सॉरी दिखा तो सकते नहीं क्योंकि रोटेट मोड पर उसमें नहीं आता है, तो आपको 100% मैं बता रहा हूँ कि आपको मैसेज आएगा उसी नंबर पर, जिस नंबर को आपको यहाँ पर डाला है उस नंबर पर आपको OTP जाएगा। OTP के बाद आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, प्लस आपको पासवर्ड मिलेगा। वहाँ से आप लोग जब आपको पासवर्ड पर वहाँ पर भर देंगे, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्लस पासवर्ड आप भर देंगे और नीचे कैप्चा कोड भर देंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज इस प्रकार का खुलेगा जैसा कि हम आपको अभी दिखा रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक आपको इस प्रकार का खुलेगा, यहाँ पर लिखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ से जैसे हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके लिए मैं अपना ही ऑनलाइन फॉर्म कर देता हूँ, इसलिए मैंने अपना ही फॉर्म ऑनलाइन कर दिया है। इसलिए सबसे पहले आपको नीचे यहाँ पर दिखा है अपना नाम डालना है, जैसे मैंने डाल दिया किशन कुमार। यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पर जन्मतिथि डालना है, या मोबाइल नंबर डालना है जो डाला है आपने पहले से, और यहाँ आप Email ID डालना है, या फादर्स का नेम डालना है, या माता का नेम डालना है, अपनी माता जी का नाम, और यहाँ पर जेंडर चूज करना है, और यहाँ पर कैटेगरी चूज करना है, और यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र मतलब कास्ट ऑफ सर्टिफिकेट, और यहाँ पर आदिवासी, जैसे आप UP से नहीं अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अदर पर क्लिक कर दिया। अगर आप UP से हो, यानी उत्तर प्रदेश से हो, तो आप UP सेलेक्ट करें, और यहाँ पर धर्म आप सिलेक्ट करें, हिंदू धर्म से हो तो हिंदू, मुस्लिम हो तो मुस्लिम भाई, सिख हो तो सिख भाई, आप जो भी किसी भी धर्म से हो तो आपको वो चूज करना है। तो फिर आपको नेक्स्ट स्टॉप पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा है सेव यू एंड कंटिन्यू करना है। और वीडियो में कोई भी दिक्कत हमें डायरेक्ट कमेंट करें, या फिर हमारा मोबाइल नंबर नीचे है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, आपके लिए सेवा हमेशा हाजिर है। सॉरी, कुछ हमारे फॉर्म में कुछ गलती हो गई है। हाँ, यहाँ पे आप मेरा थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी, तो यहाँ पर आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने अच्छे से यहाँ पर दे दी है। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करें सेव एंड कंटिन्यू पर आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ऐसा कुछ ऑप्शन सक्सेस लिख के आएगा। पर्सनल डिटेल
सबमिटेड सक्सेसफुल, यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पर लिखा है एड्रेस एवं कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है, यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी आ गई है, स्थाई पता, जैसे हम अपने गांव का एड्रेस डाल देते हैं यहाँ पर अभी स्थाई पता, क्योंकि हमारे लोकेशन में तो वही आता है। तो यहाँ पर उसके बाद हम आपको बताते हैं, और ये भी कंप्लीट हमने स्टेप कर लिया है, जैसा एड्रेस और कॉन्टैक्ट ये भी हमने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी, स्थाई पता डाल दिया है, और यहाँ पर आप इंडिया से हो तो इंडिया से आप क्लिक कर सकते हैं, जैसे आप स्टेट यहाँ पर लिखा है आप किस राज्य से हो, जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो आप मैं उत्तर प्रदेश डाल रहा हूँ, अगर आप और किसी राज्य से जैसे बिहार और वेस्ट बंगाल मध्य प्रदेश आप जैसे राजस्थान ऐसे से हो तो आप अपनी जो स्टेट है वो चुन सकते हैं, और यहाँ पर अपना पिन कोड जो पोस्ट वाला जो मतलब पोस्ट होता है ना पोस्ट ऑफिस उसका पिन कोड डाल दीजिए, जैसा मैंने डाल दिया है, तो यहाँ पर और यहाँ पर आप बिल्कुल आप स्थाई पता डाल दीजिए और कंट्री डाल दीजिए, राज्य पिन कोड, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर लिखा है कंटिन्यूस, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा जैसा हम आपको दिखा रहे हैं अभी। हाँ, यहाँ पर भी सक्सेस आ गया है, यहाँ पर भी योर कंटेंट डिटेल्स हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुल, ये हमारी सेव हो चुकी है और सक्सेसफुल हो गई है, और अदर डिटेल्स यहाँ पर लिखा है कि क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, तो भगवान की दुआ से मैं एकदम स्वस्थ हूँ, तो यहाँ पर हम आपको यहाँ पर जैसे अगर आप स्वस्थ हैं तो आप स्वस्थ कट यहाँ पर टिक कीजिए, जैसे नो तो मैं नहीं हूँ, तो मैं अच्छा हूँ भगवान की दुआ से, अगर आप विकलांग हो तो आप अच्छे से जल्दी ठीक हो जाओगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और सॉरी मुझे कहने में थोड़ा दुख हो रहा है इसलिए, तो इस पर हम नेक्स्ट यहाँ पर लिखा है सेव एम कंटिन्यू, तो यहाँ पर कंटिन्यू पर टिक कर दीजिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, बस नेक्स्ट स्टॉप आ जाएगा, स्टेप खुल के आ जाएगा, यहाँ पर फिर भी लिख के आ गया है सक्सेस यहाँ पर, क्योंकि मैं सारी सीढ़ियाँ पार करके जा रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है दसवीं कक्षा का अनुक्रमांक एवं उत्तीर्ण मतलब किस साल आपने पास किया है, और बोर्ड आपका कौन सा है, महाविद्यालय का नाम क्या है, अधिकतम मार्क कितने आए, प्राप्त अंक और प्रतिशत आपको, और केंद्र का कोड डालिए, विद्यालय कोड, बारहवीं कक्षा इंटरमीडियम का रोल नंबर, उत्तीर्ण पास एड महाविद्यालय, यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं आपको फिल करके उसके बाद बताता हूँ, यहाँ पर जैसे हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाते हैं, आपको कोई भी मिस्टेक ना आए। तो यहाँ पर मैंने ये भी स्टेप अपना कंप्लीट कर दिया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर रोल नंबर आप लोगों को डालना है, यहाँ पर फिर पासिंग ईयर्स किस किस ईयर्स में आपने पास किया है, यहाँ पर बोर्ड डालना है, यहाँ पर महाविद्यालय का नाम डालना है, और मैक्सिमम मार्क्स डालना है आपको कितने परसेंट, और कितने मार्क्स आपके आए हैं उतने परसेंटेज आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगी, यहाँ पर महाविद्यालय का सेंटर का जहाँ पर सेंटर गया था अपना स्कूल में आपका, तो वहाँ पर कोड डालना है, फिर विद्यालय का कोड डालना है, बारहवीं डालना है, यहाँ पर सारे कुछ प्रोफेसर जो आपको यहाँ पर जानकारी मांगे वो आपको देखे, यहाँ पर सेव एवं कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर मेरा रिक्वायर्ड कुछ गलत बता रहा है, यहाँ पर मैं फिर से चेक करके देखता हूँ, जैसा कि हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है, यहाँ पर फिर भी हमारा कुछ जैसा कि ये भी मैंने अपना जो स्टेप है ये भी कंप्लीट कर लिया है, अब आपको नेक्स्ट स्टेप है कि अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी है और यहाँ पर साइन करना है और यहाँ पर फिंगरप्रिंट और एवं यहाँ पर देखना है, फिर इसके बाद कर देना है सबमिट फॉर्म, तो यहाँ पर हम अपलोड करते हैं फ़ोटो अपनी, उसके बाद आपको फ़ोटो और जो साइन होते हैं उसके बाद फिंगरप्रिंट, उसके बाद आपको ये सेव कर देना है जो कंप्यूटर रिलेटेड होगा वहाँ से आपको फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट हो जाएगा, हमारे मोबाइल से हो नहीं रहा इसलिए हम आपने आप लोगों को बोला। तो ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो यूजफुल हुआ ना तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और आने वाली वीडियो भी हमारी देखते रहें, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू, आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ।